लाइफ हो या पिक्चर, हर कहानी में एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है, लेकिन स्टोरी में असली ड्रामा तब आता है जब एक विलन की एंट्री होती है। विलन जो लाता है कहानी में ट्विस्ट, और विलन जो कभी कभी हार के भी जीत जाता है। एक विलन एक दास्तां कहानी है बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन्स की, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर विलन्स को वो ट्रू कलर्स दिखाए कि देखने वाले को समझ में आ गया कि एक विलन एक दास्तां के लिए कितना जरूरी है। इन्हीं विलन्स की दास्तां देखिए मेरे यानी बॉलीवुड के नए विलन गुरु के साथ। एक विलन एक दास्तान इतिहास है बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट विलन्स का, और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे विलन की जिसने ओल्ड स्कूल विलन्स को आज की तारीख में भी दोबारा जिंदा किया है। हम बात कर रहे हैं जयकांत शिकरे की, यानी आज के उभरते हुए विलन प्रकाश राज की। अमरीश जी के बाद आज के दौर में कोई अगर नेगेटिव करेक्टर को बहुत अच्छा कर पा रहा है तो वो साउथ से यही प्रकाश राज है, जो कि बहुत ब्रिलियंट एक्टर है। प्रकाश राज डज नॉट ओनली एज अ विलन, ही इज एन एक्टर, हीरो, डायरेक्टर, ही इज डूइंग डायरेक्टर एंड ही इज प्रोड्यूसिंग, ही इज अनबिलीवेबल एक्चुअली। प्रकाश राज इज अनबिलीवेबल, ही हैज बिकम सो गुड, ही हैज बिकम सो वर्सेटाइल, ही हैज बिकम वेरी एफर्टलेस, ही इज अ वेलकम एडिशन टू आवर फिल्म इंडस्ट्री एज अ विलन। इनके कैरेक्टर्स तो वैसे विलनी से भरे होते हैं, लेकिन अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और ह्यूमरस पंच लाइन से ऑडियंस को सीटियां और तालियां बजाने के लिए ये मजबूर भी कर देते हैं। इनकी यूनिक डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस बड़े बड़े हीरोज को भी टक्कर दे सकती है। उनकी विलनी में एक फिल्मीपन है जो उनके कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ बना देता है। There is variety in villainic roles. ऐसा नहीं कि तो आप सिर्फ राम बन के रहो। See, रावण is more interesting. A shade of grey and black of Karna is more interesting. Duryodhan is more interesting. You know, it's always been the norm in basically perception of people, perception of things. There's something very attractive about it. There's something very dangerous about it. There's something very mystical about it. शायद इसी के वास्ते दैट्स व्हाई द विलन्स लाइंस वर ऑल ब्यूटीफुल, बिकॉज़ वो होते हुए द कॉन्फिडेंस इन अ विलन टू से इट, यू नो, प्रोबब्ली दैट इज व्हाट एक्साइट्स पीपल एंड इट एंटरटेन्स पीपल। प्रकाश का जन्म 1964 में कर्नाटक के उडीपी की एक सीधी सादी लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। शुरुआत में वो स्टेज पर 300 रुपए की मंथली सैलरी में स्टेज प्लेस किया करते थे। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था तो लोग बहुत नाटक में देखते थे और तालियां बजाते थे तो बहुत खुश होता था। मैंने उसके बाद ये महसूस हुआ कि अरे यार कुछ पढ़ना है, ज़िंदगी गुजरना है, कुछ तो बनना है, क्योंकि मेरे साथ जो पढ़ रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे थे या MBA पे जा रहे थे, तो वहाँ पर एक थिएटर था तो थिएटर में घुस गया मैंने। एक्चुअली आई वेंट टू इंटर हाइडिंग, बट थैंक्स फॉर कनाडा थिएटर एंड लिटरेचर, जहाँ मैं बहुत कुछ राइटर्स को मिला, जो थिएटर पर्सन्स पर्सनैलिटीज को मिला, सो वहाँ से आई गॉट इन टू रीडिंग लिटरेचर। बहुत खूब था वो दुनिया, क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टमेंट था खुद का और नथिंग एल्स, एंड वहाँ से प्रोबेबली माई पोलिटिकल आइडियोलॉजी, माई इंटरेस्ट इन थिएटर, माई इंटरेस्ट इन लिटरेचर शुरू हुआ, एंड वहाँ से एक अजीब सा ही एक आइडेंटिटी मिलने शुरू हुआ। कन्नड़ फिल्मों में छोटे सपोर्टिंग रोल्स करने के बाद प्रकाश राज को अपना बड़ा ब्रेक मिला विष्णु वर्धन की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म हरा के या कुरी में। फिल्म की सक्सेस के बाद एक्ट्रेस गीता ने उन्हें रिकमेंड किया तमिल फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर के बालाचंदर को, जिन्होंने रजनीकांत और कमल हासन को भी ब्रेक दिया था। कन्नड़ फिल्मों में वो अपने असली नाम प्रकाश राय के नाम से जाने जाते थे, लेकिन तमिल फिल्मों के लिए के बालाचंदर ने उनका नाम बदलकर प्रकाश राज रख दिया और 1994 की फिल्म ड्वेट में विलन के रोल के लिए कास्ट किया। बालाचंदर साहब ने एक सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया था, क्योंकि ही हैड हर्ड दैट आई वाज एन एक्टर,
And then he started about talking about theater, and I saw a wonderful anger which I'll never forget in his eyes. He said, "Kahan tha itna din tu?" Probably he wanted an intense actor, and he cast me as a villain. And then I was popular immediately. I reached people with a negative role in Duet and a film called Aase. Raghuvaram sir, who was a very big villain, who was a very celebrated villain, was just weaning away, and they needed somebody new. And probably it's not just my talent. Oh, timing be right tha and luck be right tha, and suddenly there were directors who casted me immediately and who made me grow. पिछले 20 सालों से प्रकाश राज ने साउथ इंडिया के बड़े बड़े स्टार्स के साथ सुपर डुपर हिट तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में कई यादगार नेगेटिव रोल्स किए हैं। लेकिन प्रकाश राज कितने मंझे हुए एक्टर हैं, इसका पता इस बात से चलता है कि बतौर एक्टर उन्होंने अब तक 4 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। मणिरत्नम की इरुवर में बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर अवार्ड, अनंथापुरम के लिए एक स्पेशल जूरी अवार्ड, फिर तमिल फिल्म धाया और तेलुगु फिल्म खड़गम के लिए एक और स्पेशल जूरी अवार्ड, और प्रियदर्शन की कंचीवरम के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड। आई रिमेम्बर कि जब मैंने साउथ में शुरुआत की थी तो ही वाज वन गाय हु यू नो हु वाज ऑलवेज been you know spoken about the negative roles that he has done in South. So I think he's one guy who's really achieved a lot. Salman ke saath agar abhi villain rakhna hai to ek humne young athletic action hero villain rakh chuke the. Second mein let's keep a performer, somebody who is going to do his scenes with a certain amount of style and his, you know, he's won 5 national awards. Prakash Raj ne 5 national awards jeete hain. He's a tremendous actor. To maine unko डिसाइड किया कि मैं उनको लूंगा। एक एटीट्यूड है जब मैं सेट पे जाता हूँ, वेदर इट इज महेश बाबू, विजय, रजनी सर, कमल सर या सलमान भाई, आई थिंक आई एम द हीरो ऑफ द फिल्म एंड मुझे वो लोग विलन लगते हैं, दिखते हैं। प्रकाश राज बॉलीवुड में आंधी की तरह आए और देखते ही देखते हर तरफ छा गए। वो तो सब अपने आंखों से, मतलब जो एक उनका जो इंटेंसिटी उनके फेस में, यू नो, वो उस तरह का एक विलन है। सो यस, वी बीन रियली लकी टू हैव सम वेरी पावरफुल विलन्स इन आवर फिल्म्स। हिंदी ऑडियंस प्रकाश राज को खाकी में पहले देख चुकी थी, मगर सही मानों में बॉलीवुड ने उन्हें डिस्कवर किया सलमान खान की वांटेड में। वांटेड, या वी वांटेड अ न्यू थिंग एंड Why not him? He's too good. And you all loved him. सलमान खान गुजर रहे थे एक लो फेज से, उनकी पिछली कुछ फिल्में नहीं चली थी। ऐसे में वांटेड उनके लिए एक कमबैक फिल्म साबित हुई। वांटेड के साथ सलमान ने कॉमेडी से हटकर दोबारा एक्शन फिल्मों की तरफ कदम रखा, और इस फिल्म के लिए 200 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके प्रकाश राज को चुना गया विलन गनी भाई के रोल के लिए। When they started the shooting, मैं नहीं था उस फिल्म में। बहुत लोगों का टेस्ट लिए थे वो लोग। प्रभु वांटेड मी, प्रभु सर वी वांटेड बट सलमान हैज टू सी यू। आई सेड व्हाई नॉट, बट आई टोल्ड देम दैट बहुत मुझे अजीब लग रहा है कि मैं एक इतना बड़ा एक्टर स्टार के सामने जाके काम पूछूं। आई सेड नहीं, बट आई कम एंड मीट हिम। चेन्नई में शूटिंग चल रहा था, वो कुछ क्लाइमैक्स का शूटिंग चल रहा था, उसका विलन अभी तक थे नहीं हुआ था। गया मैंने एंड ही वॉज आउट ऑफ द कैरवन एंड वी हैड लंच, and probably he talked with me for half an hour, and suddenly I think he called Boney and said, ये बंदा ठीक है, करने दो। Wanted की सक्सेस और प्रकाश राज की सुपर परफॉर्मेंस की वजह से डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने प्रकाश को कास्ट किया एज जयकांत शिकरे इन सिंघम। इस रोल में प्रकाश ने कई शेड्स दिखाए, वो बुरे भी थे और कनिंग भी। उन्होंने धमाकेदार डायलॉग बाजी भी की और कुछ फनी पंचेस के साथ अपनी कॉमिक टाइमिंग भी दिखाई। देयर आर सर्टेन फिल्म्स जहां एक एक्टर कंट्रीब्यूट करता है फिल्म के सक्सेस में। सिंघम के नो मैटर हाउ ग्रेट द फिल्म इज, व्हिच आई एंजॉयड इट, बट देयर आर सर्टेन टाइम्स एन एक्टर कंट्रीब्यूट्स टू अ सक्सेस ऑफ द फिल्म। ही कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ द फिल्म। सिंघम में भी आप देखो, सिंघम में भी जिस किस्म का इंटरप्रिटेशन है नेगेटिव रोल का, आपको हंसी आती है कि जिस हिसाब से वो बिहेव करता है।
he brings in a certain amount of humor and even in his villainy, in the way he doesn't make it very his reactions, his everything, he just brings in that humor. That is what the audience likes. We should give credit to Rohit Shetty and to Sajid and Farhad, because they know that formula. Ali re ali, yata tuji bari ali, nata maadi sarak liya. So they make the villain say it, win over with those lines, and then they formulate in such a way that hero hits back with the same lines. Now, abhi ke abhi. Everything was designed by this writer-director team. And Ajay loved it, I loved it. So he let me win when in that particular scene, knowing that I have to let him win. So it was all formulated. I think that is that brilliance, that shade of brilliance is what the director and the writers, you know, they designed it. And it worked. Singham ke baad, bari thi Salman Khan ke saath reunite hone ki. Dabang 2 ke liye, Arbaaz Khan ne Prakash Raj ko cast kiya. Thakur Bachcha Lal Singh ke role mein. Salman ke saath agar abhi villain rakhna hai, to ek humne young, athletic, action hero villain rakh chuke the. Second mein, let's keep a performer. Somebody who is going to do his scenes with a certain amount of style and his, you know, he's won 5 national awards. Prakash Raj ne 5 national awards jeete hain. He's a tremendous actor. So maine unko decide kiya ki main unko lunga. It's wonderful. Actually, in fact, when you work for the second time, it should become difficult. A lot of, because you have known one another, both differences aa jata hai bhai. And I'm a very confident person. So when I met him and he met me, he's a very confident person. It was just another thing for us. So mushkile nahi hota hai. I think he's one of the most misunderstood guy I ever come across in my life. फिर एक बार सलमान और प्रकाश की केमिस्ट्री रंग लाई. सलमान की हीरोगिरी को प्रकाश ने अपनी डायलॉग बाजी से मैच किया. एक बार प्रकाश ने फिर यह साबित कर दिया कि असली विलन्स अपने मसल्स के लिए नहीं बल्कि अपनी मक्कारी और रूथलेसनेस के लिए जाने जाते हैं. एटीट्यूड है जब मैं सेट पे जाता हूँ, वेदर इट इज महेश बाबू, विजय, रजनी सर, कमल सर या सलमान भाई, I think I am the hero of the film. And मुझे वो लोग विलन लगते हैं, दिखते हैं कि मेरा दौलत को लेने आए हैं, मेरा जो सरकार चल रहा है उसको मारने आए हैं, तो वो लोग तो विलन है, मैं हीरो हूँ. सो आई गो विद एन एटीट्यूड. देखिए क्या था, हमने उनको स्क्रिप्ट भेजी, स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी. पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं कि अपने पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि भाई ये मैं ऐसे ऐसे पंक्चुएशन प्लान करूंगा, ऐसे कॉमेडी करूंगा, ऐसे हंसूंगा. मेरे में तो बहुत ज़्यादा नहीं किया, पर उनका एक सिस्टम है, ऐसे करते हैं. और करने के बाद फिर वो सेट पे आ जाते हैं. सेट पे आके उसको आत्मसात कर लेते हैं. आत्मसात करके फिर 6-7 तरीके से आपको परफॉर्म करके बताते हैं, मैं ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे आऊँ, ऐसे जाऊँ, और फिर उसके बाद वो उसको करते हैं. इतना ही नहीं, इतने सारे बड़े और वेल एस्टेब्लिश हीरोज के साथ काम करने के बाद प्रकाश ने जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म हीरोपंती में एक न्यू जनरेशन हीरो के साथ भी काम किया. ये हीरो 100 डेज का शूटिंग है, तो 100 डेज काम करना है हीरो को, हीरोइन को काम करना है, विलन को तो 20 दिन का काम है. ही इज लाइक साइनाइड, ही इज ऑलरेडी पॉइंट, ही इज एच्ड, नीट है, उसका स्क्रीन टाइमिंग इतना है. And unka zarurat hai, toh they do it. And I get to get the best cards till I get hit by the villain, by the hero, my villain who is the hero, of course. Wahan tak toh sab kuch chalta hai. You get away. Gun pakdo, toh dar dete hain log. You know, they're already afraid of you. You don't have to do anything. There's lot of perks which come with a villain. Prakash Raj Karnatak se hain. Isliye pehle South ki filmon ke liye, unhein South India ki baaki bhashaon mein मास्टरी हासिल करनी पड़ी. फिर हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए उन्हें हिंदी सीखनी पड़ी. लेकिन ये उनका टैलेंट और डेडिकेशन ही है कि उन्होंने सिर्फ हिंदी भाषा ही नहीं सीखी, बल्कि उन्होंने फिल्म की कहानी के हिसाब से हर कैरेक्टर को बारीकी से समझा और उसके हिसाब से अपने किरदार को लोकल फ्लेवर दिया. प्रकाश राज ने अगर उस मैजिक को वापस ले आया है, दैट इज बिकॉज द नीड ऑफ द हार, यू नो, द राइटर्स एंड डायरेक्टर्स बिलीव्ड इन इट, कि दैट वी नीड दिस जॉनर टू कम बैक बिकॉज इट वॉज एंटरटेनिंग
and I was lucky to be there when they thought it was needed. Even in Bhag, he may have played the army officer, but there was a humor in that character. So humor Prakash Raj brings brilliantly onto screen. आज बॉलीवुड में विलन बनने के लिए मस्कुलर फिजिक होना बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन प्रकाश राज कोई योद्धा नहीं है और ना ही वो बनना चाहते हैं। उनकी विलनी उनकी मसल पावर से नहीं बल्कि उनकी परफॉर्मेंसेस और सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से हिट हुई है, इसलिए वो उन डेयर डेविल्स में से नहीं है जो अपने स्टंट्स खुद करना पसंद करते हैं। And once there was a rope scene, जो अभी हिंदी में बन रहा है, मनोज बाजपेयी, that wonderful actor, he is doing that role which I did in South. उसमें I was supposed to be thrown and rope लगाए थे and I was in the air around 15-20 feet and it just snapped. And then bits से बहुत बाहर जाके पड़ा, गिरा था मैंने and luckily I didn't get hit. They wanted to pack up. I said no, tie the rope again because if I don't do it again, I'll never get the guts to do it again. सेफ्टी मेजर्स होता है एंड स्मॉल स्मॉल थिंग्स बट नॉट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज थैंकफुली प्रोबेबली पिछले बैक मेनी इयर्स बैक दे डिडंट हैव दिस मेनी सेफ्टी मेजर्स दे वुड हैव हैड अ प्रॉब्लम एंड मुझे भी फाइटर नहीं बनना है तो मैं भी बोल देता हूँ यार ये मुश्किल है नहीं करना है भाई एक्टर हूँ छोड़ो फॉल करने दो जो फॉल करते हैं जिम जाते हैं वो लोग उनको पता है मैं आके उसके बाद के एक्सप्रेशन दे दूंगा एक कट शॉट लगा लेते हो जाएगा काम। प्रकाश राज ओल्ड स्कूल विलन है, 70s और 80s के दौर में सिल्वर स्क्रीन के नामचीन विलन्स का उन पर काफी असर पड़ा है। शायद इसीलिए प्रकाश ने विलन के कैरेक्टर का वो लाउड एंड लार्जर देन लाइफ अंदाज जिंदा रखा है। विलन जब भी नया करेगा कुछ, जैसे गुलशन ग्रोवर साहब थे, कुछ ना कुछ नया करते थे, गेटअप में नया करते थे। प्राण साहब थे, गेटअप में कोई नया कर देते थे। शक्ति कपूर थे, गेटअप में नया, ह्यूमर में नया, इसलिए कहीं कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता था। अमरीश जी भी ऐसे ही किस्सा था, सेम किस्सा इनका है कि ये कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं अपने ही परमाइसेस में। प्रकाश राज ने अगर उस मैजिक को वापस ले आया है, दैट इज बिकॉज द नीड ऑफ द हार, यू नो द राइटर्स एंड डायरेक्टर्स बिलीव्ड इन इट कि दैट वी नीड दिस जॉनर टू कम बैक बिकॉज इट वॉज एंटरटेनिंग एंड आई वॉज लकी टू बी देयर व्हेन दे थॉट इट वॉज नीडेड। As simple as that. प्रकाश राज भले ही अपने विलनिश रोल्स के लिए जाने जाते हों, पर उन्होंने पॉजिटिव और कैरेक्टर रोल्स भी किए हैं। फरहान अख्तर की भाग मिल्का भाग में उन्होंने निभाया था एक बहुत ही हटके और दिलचस्प किरदार। Even in Bhag, he may have played the army officer, but there was a humor in that character. So humor Prakash Raj brings brilliantly onto screen. बॉलीवुड की हिस्ट्री में सिर्फ कुछ गिने चुने विलन ही स्टारडम हासिल कर पाए हैं। आज के दौर में बॉलीवुड में सुपरस्टार हीरोज तो कई हैं, लेकिन सुपरस्टार विलन सिर्फ एक ही है और वो है प्रकाश राज। हीरो की जीत से कहानी का दी एंड होता है, मगर विलन की जीत से हर कहानी शुरू होती है। इसलिए एक विलन एक दास्तान शुरू करने के लिए हीरो से भी ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही लेजेंडरी विलन्स की दास्तान लेकर हम रोज आ रहे हैं सेलिब्रेट करने विलेंटाइंस डे। मैं गुरु आऊंगा एक विलन एक दास्तान के साथ ओनली ऑन Zoom।